ये है दुनिया की सबसे सैटिस्फाइंग हार्वेस्टिंग मशीन्स। यह मशीन चावल की फसल को काटकर ऑटोमेटिक तरीके से उसके बंडल बना देती है। रेडिश यानी मूली को मैकेनिकल तरीके से हार्वेस्ट किया जाता है और ये मशीन एक घंटे में 4,000 मूलियों के गुच्छे तैयार कर सकती है। यह फोरेज हार्वेस्टर बड़े ही सैटिस्फाइंग तरीके से लेवेंडर स्पाइक्स को काटती है। डैंडेलियन सीड्स को एक वैक्यूम की हेल्प से इकट्ठा किया जाता है ताकि कम से कम समय में ज्यादा बीज इकट्ठे किए जा सके। जिस गाजर के खेत को खाली करने में हमें कई दिन लग जाते उसी गाजर के खेत को यह मशीन बस चंद घंटों में खाली कर सकती है। और दूसरी तरफ यह विदेशी मशीन अपने तेज और घुमादार ब्लेड की हेल्प से मकई के खेत को चंद दिनों में साफ करने का दम रखती है। मूंगफली तो आपने खाई ही होगी, लेकिन उन्हें हार्वेस्ट करने का तरीका भी कति लाजवाब होता है, क्योंकि इनके उगने के बाद इन्हें धूप में रोस्ट करने के लिए फ्लिप किया जाता है। यह ट्रैक्टर शेकर बड़े ही गजब तरीके से संतरों को इकट्ठा करता है, जो कि पेड़ को शेक करके सैकड़ों संतरों को चंद मिनटों में पेड़ से तोड़ सकता है।